22 सितंबर को कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में होने जा रही भाजपा युवा मोर्चा की हुंकार रैली में प्रदेश भर के करीब 1,00,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये जानकारी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। विशाल चौहान ने बताया कि युवा हुंकार रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर चली हुई हैं और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि युवा हुंकार रैली के माध्यम से राज्य की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ हुए छल को लेकर हुंकार भरी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रैली के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की नाकामियों और भाजपा की उपलब्धियों का बखान करेंगे। और बड़े गर्व की बात है कि इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, 1,00,000 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उस दिन मार्गदर्शन करने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 सितंबर को होने वाली ये जो रैली है, ये ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि इस रैली के बाद जो हिमाचल प्रदेश के अंदर वातावरण बनने वाला है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाएंगे और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हिमाचल में किया है, उसकी जानकारी जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और केंद्र में जो मोदी जी की सरकार ने जो हिमाचल के लिए पिछले 3 साल में जो योजनाएं दी हैं, जो लाभ दिए हैं, उसकी जानकारी भी जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। विशाल चौहान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान सिर्फ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ जो वादा कांग्रेस ने किया था वह पूरा नहीं हुआ है और आज बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में सरकार से इन सभी वादों का हिसाब मांगा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार युवा विरोधी है, क्योंकि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुखिया वीरभद्र जी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ वादा किया था, सत्तासीन होते हम हर घर से एक बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। आज कितने युवाओं को रोजगार मिला है, हिमाचल की जनता जानती है। दूसरे 2017 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो कहते हैं हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज हिमाचल प्रदेश के एक भी बेरोजगार युवा को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं आपने दिया। आपने दिया है तो हिमाचल के युवाओं को नशा दिया है। नशा माफिया आज हिमाचल में हावी है। स्कूल के बच्चों तक को नशे की लत में धकेला जा रहा है और नशा माफियों को पूरा संरक्षण जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का है। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर, जिला अध्यक्ष राकेश वालिया और मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष रणवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।